करके ले गए दिल, ले गए दिल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपने फर्स्ट में देखा कि आज हम लोग किस टाइप की रील एडिटिंग करने वाले हैं, वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, जो गाइस अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो गाइस, आपको वायरल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर ही लेना। और गाइस, वीडियो में जो भी मटेरियल का यूज होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा। तो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको मैं वीडियो अपलोड करने से पहले ही सारे मटेरियल्स ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? तो जाकर जल्दी ज्वाइन हो जाइए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला स्टेप गाइस, आपको प्रिक्वेल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा प्रिक्वेल, लिख कर सर्च करेंगे, इसकी स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं, प्रिक्वेल, ठीक है? तो मेरे पास है तो मैं गाइस इसको ओपन कर लेता हूँ। आप लोग इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, एकदम फ्री में यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है? ओपन हो जाने के बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे आल इफेक्ट वगैरह, वैलेंटाइन डे इफेक्ट दुनिया भर के मिल जाएगा। तो यहाँ से गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे प्लस वाला आइकन पर कर देना है क्लिक, ठीक है? इसके बाद गाइस यहाँ से अपनी जो वीडियो है आपने रिकॉर्ड की है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसको आप लोग एडिट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो मेरी वीडियो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ऐड हो जाने के बाद गाइस आपको देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको जाना है फिल्टर वाले ऑप्शन पे, ठीक है? इसके बाद गाइस यहाँ से आपको एक फिल्टर का यूज़ करना है, तो यहाँ पे है ट्रेंडिंग पे विन, ठीक है गाइस? तो आप लोग गाइस इस टाइप की जो फिल्टर वाली वीडियो है ना, आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारी देखने को मिली होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गाइस ट्रेंडिंग में चलते ही रहता है, हर रील्स वायरल होती है ऐसे। बस इसमें ट्वीट कर दो, स्क्रीन में लगा दो, ठीक है? तो आपको पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, ठीक है? और गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आपको फर्स्ट वाला फिल्टर ही यूज़ करना है, ठीक है? इसके बाद गाइस आपको करना क्या है, इस पर एक इफेक्ट से ऐड करते हैं, ठीक है? तो इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से गाइस आपको, इसके बाद गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिकल, ठीक है? तो ये रहा। इसके बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, जो गाइस ट्रेंड पे चलते ही रहता है इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसे आप लोग यूज़ करके अपनी रील्स को एकदम बेहतरीन तरीके से एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो देख सकते हैं ये वाला भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलते रहता है गाइस। इसके जब स्काई होती है ना, तब एकदम वॉल टाइप का लगता है वीडियो, ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग फोकस ही कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक गाइस? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो गाइस, आपको लेटेस्ट न्यू वायरल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे फर्स्ट मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? इसके बाद गाइस वीडियो सेव करने के लिए आपको ऊपर में एरो वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो है सेव होने लग जाएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है? आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा गाइस, आपको यहाँ से पूरे तरीके से बैक नहीं करना है, पूरा 100 होने देना है, उसके बाद आपको बैक करना है, ठीक है? तो गाइस इसके बाद हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्ले स्टोर को अपने ओपन कर लेते हैं और यहाँ से गाइस आपको सर्च लिस्ट में सर्च करना है फेक ट्वीट, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फेक ट्वीट, ठीक है? गाइस जो एप्लीकेशन है ना आपको फर्स्ट में मिल जाएगी, ये रहा, इसको यहाँ से आपको कर लेना है इंस्टॉल, ठीक है? तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल नहीं है, इसको मैं अभी कर लेता हूँ इंस्टॉल, ठीक है? तो आपको इंस्टॉल करके पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है? आपको देख सकते हैं 4 MB का है, कुछ ही टाइम में हो जाएगा, तो वेट करते हैं। फाइनली गाइस इंस्टॉल हो जाने के बाद गाइस आपको कर लेना है ओपन। ओपन हो जाने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको एक ऐड देखने को मिलेगा, तो इसको गाइस आपको देख लेना है पूरा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर गाइस आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको बहुत सारे जो ऑप्शन वगैरह है देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पूछ रहा है कि हम लोग यहाँ से आपकी जो पिक्चर और रिकॉर्डिंग वीडियो है उसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से गाइस आपको विल अलो पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको फोल्डर पूछेगा डिवाइस, ठीक है? तो यहाँ से आपको भी अलो कर लेना है, ठीक है? इसके बाद गाइस हमें 2 ऑप्शन होंगे, कैरेट ट्वीट से पोस्ट लिस्ट, ठीक है? तो यहाँ से गाइस हमें नया कैरेट करना है, तो हमें सिंपली कैरेट ट्वीट पे क्लिक कर लेना है गाइस, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ से गाइस आपको नाम पे कर लेना है क्लिक, ठीक है?
तो यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ गाइज, आपको नाम चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे में कुछ नहीं करना है, नाम को चेंज कर लेना है इसके। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, लोकेश एडिटिंग, ठीक है। तो आप अपना नाम लिख लीजिएगा, ओके, और यहाँ से कटेंगे रंग। इसके बाद गाइज आपको नीचे दिख रहा होगा यूज़र नेम, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आपको लिख देना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकेश अजय, अजय मेरा सरनेम है गाइज, इसकी वजह से मैं इसको लिख देता हूँ लोकेश अजय, एडिटिंग नहीं लिखते हैं, ठीक है, यूज़र नेम में। तो यहाँ से कर देते हैं डन। इसके बाद गाइज आपको डीपी चेंज कर लेनी है, तो दिख रहा होगा आपको जो आपको बदक दिख रहा है, सॉरी, उस पर क्लिक करके यहाँ से आपको गैलरी चॉइस कर लेना है। और यहाँ से गाइज आपको जो है अपनी फ़ोटो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ से आपको कुछ इस टाइप का जो है अपनी फ़ोटो को साइज में ले लेना है। इसके बाद गाइज आपको करना क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्लैक टू वर्क, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको गाइज पूरे तरीके से कट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे गाइज आपको क्या भी कुछ भी लिखना है, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो एक शायरी डाउनलोड करके ले सॉरी कॉपी करके रख लिया हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद गाइज यहाँ से आपको कर देना है डन। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे डन कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज अपने जो है सॉरी व्यूज़ बोलता हूँ, इसमें शायद 100 मिलियन ही होता है, इसको कर लेते हैं डन, ठीक है। इसके बाद गाइज जो हमारी लाइक है गाइज बहुत ही कम लग रहा थी, इसको बढ़ा के देखते हैं, अरे वाह यार, ठीक है। तो इसको गाइज हम लोग को अपने हिसाब से बढ़ा लेना है, ठीक है। तो मैं पूरा कर देता हूँ 2 मिलियन, ओके। इसके बाद गाइज हमें ऊपर में आपको सेव वाला दिख रहा है, ठीक है, आइस के बगल में, तो उस पर क्लिक करेंगे गाइज, और जो हमारी जो ट्वीट फेक ट्वीट है वो सेव हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद सिंपली यहाँ से आपको कर देना है बैक। बैक आ जाने के बाद गाइज आपको गैलरी ओपन करना है अपना, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना गैलरी ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज जो हमने ट्वीट है वो सेव हो चुकी है, तो इसको गाइज हमें क्रॉपिंग करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन दिखेगा गैलरी पर, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको क्रॉप कर लेना है गाइज, ठीक है। तो यहाँ से इतना क्रॉप कर लीजिएगा जिससे आपकी जो ट्वीट है ना रियल टाइप की लगे, ठीक है। तो इतना आप भी क्रॉपिंग करके यहाँ से आपको कर देना है राइट, और यहाँ से आपको कर देना है गाइज सेव, ठीक है। इसके बाद गाइज हमें करना क्या है, यहाँ से सिंपली कर देना है बैक। इसके बाद गाइज हमें VN एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, तो आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओपन हो जाने के बाद गाइज यहाँ से आपको कर देना है स्किप, और यहाँ से गाइज आपको नीचे में प्लस वाला आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको चले जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। इसके बाद गाइज जो हमने वीडियो सेव की है प्रिक्वेल ऐप से एडिट की है, उसको यहाँ से आपको ऐड करके एरो वाले ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक, ठीक है। इसके बाद गाइज हमें एकदम वीडियो का लास्ट टाइम चले जाना है, और जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड बचेगा उसको यहाँ से आपको कर देना है डिलीट, ठीक है, इसको रखना नहीं है, कर देना है डिलीट। इसके बाद गाइज आपको जस्ट ऊपर में एक ऑप्शन शो होगा टैप टू ऐड स्टिकर, ठीक है, उस पर गाइज आपको क्लिक कर लेना है टैप टू ऐड स्टिकर। इसके बाद आपको वीडियो फोटो में जाना है, और गाइज यहाँ से आपको फोटो पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो फेक ट्वीट है हमने अभी क्रॉपिंग किया है उसको यहाँ से कर लेंगे ऐड। इसके बाद गाइज कुछ इस टाइप से इसको बड़ा कर लेना है, और इसको गाइज आपको साइज में लेना है जितना हमारे वीडियो का लेंथ है ना उसके बराबर आपको जो है फेक ट्वीट है उसको आपको ले लेना है, ठीक है, जो हमने ट्वीट एडिट की है बनाई है उसको, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग अपनी साइज वीडियो के साइज के लेवल में ले लीजिएगा। इसके बाद गाइज हमें करना क्या है, हमें जो है इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना है। तो सिंपली यहाँ से आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करेंगे और इसको कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसके साइज को गाइज आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे गाइज इतना परफेक्ट लग रहा है, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है। आशा करता हूँ गाइज ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इसके बाद गाइज आपको ऊपर में दिख रहा होगा एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन, उस पर गाइज आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद गाइज जो हमारी वीडियो है गैलरी पे सेव होने लगेगी। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वायरल ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज़।